हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट ने यहाँ पे दो यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड्स को जीता है। क्या है पूरी खबर जानते हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो न्यूज़ क्या है पहले जानते हैं। देखिए, निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट इंडिया का प्रोजेक्ट है। पूरी तरह से ये जो अर्बन रिवाइटलाइजेशन है हिस्टोरिक हमारे निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी का न्यू दिल्ली के अंदर, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। और इसी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 को जीता है। प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे 20 जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके जो क्लस्टर्स हैं, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट क्लस्टर्स हैं, इनको वापस से रिस्टोर किया जाएगा, जो कि करीब 14th सेंचुरी के आसपास के हैं, ऑफ द रिवर्ड सूफी सेंट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। तो अब हम पूरी खबर जानेंगे, क्या है, दो अवार्ड्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो समथिंग अबाउट एन अकेडमी। देखिए, प्राइस हाइक होने वाला है प्लस कॉम्बो में 9th दिसंबर को 1,000 रुपये से, और 16th दिसंबर को तो ये 3,000 रुपये तक बढ़ जाएगा, और प्लस जीएस में 500 और 2,000 का फर्क आएगा। तो अभी 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है 2022 और 23 के एस्पिरेंट को तो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो आपको लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर, मींस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वगैरह भी मिलती है, साथ में आपको मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज। अभी इनरोल कराइए, अन अकेडमी कॉम्बार्ट, करेंट अफेयर्स, अभियान, काफ़ी कुछ आपको मिलता है। और आपको पैसा कोई एक साथ नहीं देना, यू जस्ट यू कैन ऑल्सो पे थ्रू EMI। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, बस आपको मेरा कोड सिर्फ IS यूज करना है टू अवेल दी 10% डिस्काउंट। क्लियर। तो आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट ने कौन कौन से कैटेगरीज में अवार्ड जीता पहले ये जानिए। पहला तो जो है अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस, और दूसरा जीता स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने अवार्ड जीता है। तो थोड़ा सा हम निज़ामुद्दीन बस्ती के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपके सूफी सेंट थे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके टॉम्ब के आसपास जो सेटलमेंट है, जो लोग रहते हैं, जो सेटल्ड हुए हैं, दिल्ली विलेज घियासपुर, जो कि आपका ट्रिब्यूटरी जो रिवर यमुना की है उसके पास में लोकेटेड है, और इसे कहते हैं हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती। इसी बस्ती को, यहाँ जो लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती। देखिए, निज़ामुद्दीन एरिया के अंदर हुमायूं टॉम आता है, हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती आती है, और सुंदर नर्सरी आती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके साथ बतेशवाला तोम गार्डन कॉम्प्लेक्स, टोम्ब ऑफ कोर्टियर पोएट खान वन, खान खान रहीम, एंड मुगल पीरियड कारावन सिराय ऑफ अजीमगंज सिराय। तो ये सारा कुछ एरिया देखिए यहाँ पे आ रहा है इसके निज़ामुद्दीन एरिया के अंदर। अब विनर्स जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के, देखिए जो हेरिटेज एक्सपर्ट्स की ज्यूरी होती है ना, जो डिसाइड करती है, उस ज्यूरी ने यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट्स को ऑनर करा फ्रॉम 6 कंट्रीज। वो 6 कंट्रीज में से बांग्लादेश का नाम था, चाइना का नाम था, इंडिया का नाम था, जापान, मलेशिया और थाईलैंड का नाम था। इन 9 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे 6 कंट्रीज से लिया गया विद यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के तहत। तो हमने आपको बताया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या अवार्ड मिला, किस किस कंट्रीज को लिया गया, कौन कौन से प्रोजेक्ट, और किस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे अवार्ड मिला। आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसके साथ इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे कई जगह पे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।